नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं, अस्सलाम वालेकुम, बताइए कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। माशाल्लाह प्रोग्राम ऐसा है कि जैसे जैसे बातें सुनते जा रहे हैं ऐसे ऐसे हजरत नुक्ते आप बयान करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। हजरत मजबूबियत से हवाले से मेरे जहन में एक सवाल आया है कि ये जो हम अक्सर देखते हैं स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, जो सही दिमाग नहीं होते बच्चे या उनकी खास जहन उनका खास तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो हजरत अक्सर लोग उनसे दुआएं करवाते हैं, उनको समझते हैं कि ये अल्लाह का जो खास बच्चे हैं खास बंदे हैं, उनकी एज कितनी भी हो लेकिन लोग उनसे इस तरह का ताल्लुक भी रखते हैं। तो हजरत क्या हमारी क्या इसके बारे में आप गाइडेंस देंगे कि इस तरह के बच्चों का होता है कुछ, मतलब वो खास तरह के सिलेक्टेड फ्यू होते हैं या ये फिर मेडिकली ही कोई उनको प्रॉब्लम हुई होती है इस वजह से वो इस तरह से होते हैं? जी अच्छा, जरा बहुत जजाकल्ला शुक्रिया खैर। आपका कॉल करने का। जैसे उन्होंने बच्चों को भी मजबूत बना दिया है, तो आप बताइए कि बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आमतौर पे बच्चे जो है आज यहाँ की दुनिया में ऑटिज्म, ऑटिज्म एक ऐसा मर्ज है जिसे बच्चे जो है अजीब बावले से हो जाते हैं, अलग स्पेशल बच्चा कहलाता है, ऐसी चीज़ें हो जाते हैं। और आप तो लोग उनसे ये एतक़ाद रखते हैं कि चूंकि ये बच्चा भी है, बच्चा मासूम होता है, और फिर ये आगे से बीमार भी है और ये ख़ास किस्म की उसके अहवाल का शिकार है, इसलिए माजूर भी है, तो चूंकि डबल डबल कैफियतें हैं लिहाजा इससे दुआ करवाएं क्योंकि अल्लाह के करीब हैं। क्योंकि जाहिर है कि ये बात तय है कि जो बीमार के सिराने पे अल्लाह होते हैं, बीमार के बिल्कुल सिराने पे अल्लाह होते हैं, तो इसलिए बीमार किसी बीमार के पास जाएँ तो उसके लिए दुआ करने के साथ उससे भी दुआ कराया करें, क्योंकि बीमार बिल्कुल अल्लाह का पड़ोसी होता है, वो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। तो ये है, इसलिए लोग आमतौर पे बच्चों के बारे में एतकाद रखते हैं कि एक तो बच्चा है, मासूम है, कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह का प्यारा है, और फिर अगर बीमार भी है खुदा ना खास्ता किसी स्पेशल बीमारी मुबतला है, इसलिए लोग उससे दुआ कराते हैं। लेकिन जिसकी बात हम करें जो मजूब वली, तो मजूब है वली, तो वो तो बलूगत के बाद के मामला शुरू होते हैं। ये जो बच्चे आमतौर पर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, ये आमतौर पर जो फिजिकली किसी भी जो प्रॉब्लम के शिकार हैं या कोई भी मेंटली कोई इनको सिकनेस है जिस वजह से वो खास हालत इनकी हो जाती है। हाँ बाकी वो अलग बात है कि बाज पैदाइशी वली जिसको कहते हैं, वो पैदाइशी तौर पर उनके ऊपर विलायत मार्फत के एक रंग होता है, तो वो उनका उनके अहवाल एक डिफरेंट होते हैं, वो एक बीमारी वाली कैफियत नहीं होती, उनकी कैफियत जो है वो खास ऐसे विलायत वाली होती है कि आम तौर पे बच्चों वाली चीज़ें उनको पसंद नहीं आती, वो बड़ी मेच्योर वाली मेच्योरिटी शो करते हैं ऐसा लगता है। लिहाजा हमारे सिलसिले में भी बहुत से ऐसे जो गुजरे लोग कि जो उन मेच्योरिटी वाली कैफियत है बच्चा, तो कहते हैं कि इस पे विलायत मार्फत के आसार हैं, ये खुदा की बातें करता है या अल्लाह की बातें करता है, मासूम बच्चा है, लेकिन यह कि वो इन बच्चों की तरह दुनिया के खेल कूदों के अंदर नहीं लगता, एक खास हालत में उसकी ज़िंदगी गुजरती है। वो ऐसा कोई बच्चा स्पेशल हो उसको कह सकते हैं ये पैदाइशी वली है, ये उस रास्ते में अल्लाह ने शुरू से उसको पैदा कर दिया। अच्छा माशाल्लाह।